हे गाइस, कल हमने अपना एक बारकोड एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसके जरिए आप किसी भी तरह के बारकोड क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर आप जनरेट भी कर सकते हैं। आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से किसी भी टेक्स्ट, किसी भी कॉन्टेक्ट, अपने वाईफाई के पासवर्ड या अपने ईमेल को या किसी भी वेबसाइट के यूआरएल को एक क्यूआर कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अपने आप में एक ऑल इन वन एप्लीकेशन है। इसमें आपको क्यूआर कोड और बारकोड के सभी ऑप्शंस मिलते हैं। तो इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस क्यूआर कोड जनरेटर का लिंक दिया हुआ है। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। इसके लिए यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। प्ले स्टोर पर पब्लिश करने से पहले हमने इसको काफी अच्छी तरह से टेस्ट किया है, जिसके फोटोज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। ये आपसे कुछ परमिशंस मांगता है कैमरे की, क्योंकि ये स्कैन करेगा, अलाउ कर देंगे। परमिशन मांगता है आपके फोटोज और मीडिया को एक्सेस करने की, क्योंकि जो बारकोड या क्यूआर कोड आप सेव करेंगे उसको भी ये रीड कर सकता है, अलाउ कर देंगे। इसे यूज करना बहुत ही सिंपल है। इसमें यहाँ चार ऑप्शंस दिए गए हैं। एक स्कैन का, इसमें आप कोई भी क्यूआर कोड या बारकोड स्कैन कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर जनरेट का, इसमें आप कोई भी क्यूआर कोड या बारकोड जनरेट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर हिस्ट्री का, आपने जितने भी क्यूआर कोड या बारकोड जनरेट किए हैं या स्कैन किए हैं उन सबकी हिस्ट्री यहाँ पर आ जाएगी। और लास्ट में यहाँ पर है सेटिंग का ऑप्शन, इसमें आप वाइब्रेट और ऑटो फोकस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जब भी आप कोई बारकोड या क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो थोड़ी वाइब्रेशन होती है, तो उसे आप यहां से ऑफ कर सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि इससे आप कोई भी क्यूआर कोड या बारकोड स्कैन कैसे कर सकते हैं। इसमें यहां पर ऊपर तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। ये फ्लैश लाइट का ऑप्शन है कि अगर आप रात में इससे कोई क्यूआर कोड या बारकोड स्कैन करना चाहते हैं तो आप इसकी फ्लैश लाइट ऑन करके कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है गैलरी का, अगर आपकी गैलरी में कोई क्यूआर कोड या बारकोड रखा हुआ है तो उसे आप डायरेक्ट गैलरी से स्कैन कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर फ्रंट कैमरे का, इससे आप अपना फ्रंट कैमरा यहाँ पर चालू कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ बारकोड है जिन्हें हम स्कैन करेंगे। ये कोर्ट फीस का बारकोड है, यहाँ पर ये मैंने विजिटिंग कार्ड मंगाए हैं उनका बारकोड है, और यहाँ पर ये एप्पल पेंसिल है, इस पर भी एक छोटा सा बारकोड बना हुआ है, तो इन्हें भी हम स्कैन करेंगे। इन्हें स्कैन करने के लिए आप क्यूआर कोड जनरेटर को यहाँ ओपन करेंगे और आपको इस बारकोड को कैमरे के सामने लाना है, ये उसको ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा। देखिए यहाँ पर इसने कोर्ट फीस पर जो एक बारकोड बना हुआ है उसको स्कैन कर लिया है, और उसमें जो नंबर दिया गया है उस सीरियल नंबर को देखिए यहाँ पर ये शो कर रहा है। इस एप्लीकेशन में इनबिल्ट ऑटो फोकस है, इसलिए आपको कोई भी कोड स्कैन करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, ये ऑटोमेटिकली उसको फोकस कर लेता है। यहाँ से आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, अपनी मेमोरी में सेव भी कर सकते हैं, और आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने इस क्यूआर कोड या बार कोड का कलर चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर इसका कलर चेंज हो चुका है। चलिए हम यहाँ पर एक दूसरा बार कोड है इसको स्कैन करते हैं। इसको हम कैमरे के सामने लाएंगे और देखिए इसने इसको बहुत ही जल्दी स्कैन कर लिया है, ये बहुत ही फास्ट है, आप खुद चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये एप्पल पेंसिल है, इस पर भी एक बहुत छोटा सा बारकोड बना हुआ है, चलिए हम इसको भी स्कैन करते हैं। इसको हम कैमरे के सामने लाएंगे और देखिए इसने इसको भी यहाँ पर स्कैन कर लिया है। इस बारकोड में जो नंबर छिपा हुआ है वो यहाँ पर आ चुका है। अब बात आती है कि इससे आप कोई भी बारकोड या क्यूआर कोड जनरेट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ दूसरे आइकन पर क्लिक करेंगे। जनरेट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर आप किसी भी टेक्स्ट या फिर कॉन्टेक्ट या फिर वेबसाइट के यूआरएल या अपने वाईफाई के पासवर्ड या फिर अपने ईमेल या फिर अपने किसी भी डेटा या अपने एसएमएस का यहाँ पर आप क्यूआर कोड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने वाईफाई के पासवर्ड का यहाँ पर क्यूआर कोड बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ वाईफाई आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने वाईफाई के नेटवर्क का नाम डालेंगे, जैसे कि मेरे वाईफाई का नाम है गूगल इंडिया नेटवर्क। यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे और इसके बाद हम क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट पर क्लिक करते ही आप देखिए यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। इस क्यूआर कोड को आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं, जिसको आप सेंड करेंगे जब वो उसको स्कैन करेगा तो उसे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे आपकी प्राइवेसी की प्राइवेसी रहेगी और आपका काम भी हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ कॉन्टेक्ट का भी क्यूआर कोड बना सकते हैं। यहाँ पर आप नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, एड्रेस डालेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका क्यूआर कोड तैयार हो चुका है। इसे भी आप यहाँ सेव कर सकते हैं या यहाँ से शेयर कर सकते हैं।
शेयर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने शेयर के सभी ऑप्शंस आ जाएंगे। आप इसे व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू किसी को भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे अपने मेमोरी कार्ड में भी सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको तीनों कलर ऑप्शंस मिलेंगे, आप इसे यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर इसका कलर चेंज हो चुका है। अब तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर हिस्ट्री का, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने क्यूआर कोड या बार कोड यहाँ पर स्कैन किए हैं और कितने यहाँ पर क्रिएट किए हैं। अगर आपके मोबाइल फोन में कोई क्यूआर कोड या बार कोड रखा हुआ है तो आप यहाँ गैलरी पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी क्यूआर कोड या बार कोड रखा हुआ है आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करते ही देखिए यहाँ पर ये उसको स्कैन कर लेगा। इस क्यूआर कोड में इस वेबसाइट का यूआरएल छुपा हुआ था, यहाँ पर ये यूआरएल आ चुका है। डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आप इस आइकन पर क्लिक करके विजिट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये ऑल इन वन एप्लीकेशन है, इसमें आप सभी तरह के क्यूआर कोड बार कोड स्कैन कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, साथ ही आप सेव और शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने क्यूआर कोड या बार कोड को कलरफुल भी बना सकते हैं। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए, यूज करिए और आपको ये कैसा लगता है, इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट होने चाहिए, आप प्ले स्टोर पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं ताकि हम अपने नेक्स्ट वर्जन में आपके उन सजेशंस को ध्यान में रखें। तो आज के लिए बस इतना ही।